ये है आप सभी की ऑल न्यू होंडा यूनिकॉर्न BS6 2022 मॉडल 2022 की ऑल न्यू BS6 मॉडल आज हमारे पास अवेलेबल है। ये गाड़ी की अगर बात करेंगे तो आपको हम बता दें लगभग 25,000 किलोमीटर के आसपास ड्राइव हो चुकी है। कैसा कुछ ओवर रिस्पॉन्स है, क्या कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है, और यूजर ने इस गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रखा है, उसके अलावा माइलेज कितना इस गाड़ी का मिल रहा, पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको हम वीडियो में शेयर कर देंगे। अगर आपने कोई भी होंडा यूनिकॉर्न का लेने सोच रहा है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, कि कुछ आपको हम ऐसे पॉइंट्स ऐसी बातें बताने वाले ना ही जो आपको कंपनी बताएगी ना ही आपको कोई और यूट्यूबर्स बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी करेक्ट माइलेज के बारे में। अगर सबसे बड़ी बात करेंगे गाड़ी कितना माइलेज निकाल के देती है, उससे पहले आपको मीटर दिखा देते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको हम मीटर कंसोल दिखा देंगे तो आपको यकीन रहे हमारी गाड़ी कितनी चल चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं 21,415 किलोमीटर, लगभग 20,000 प्लस किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। स्टार्टिंग बात करेंगे तो इस गाड़ी का मीटर कंसोल खराब हो गया था, ये मीटर कंसोल आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमने दूसरा लगाया हुआ है, लेकिन उस टाइम हमें फ्री में ये मिल गया था क्योंकि गाड़ी हमारी वारंटी में थी और लगभग एक महीने के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन कंपनी इसको बिल्कुल फ्री में ठीक करके दे दिया। ये बहुत कम बाइकों पर माली 100 में से एक बाइक में हो जाता है ऐसा कुछ, तो आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा गाड़ी की माइलेज कितनी आ रही है, अगर हम बात करें नॉर्मल राइड के बारे में, नॉर्मल राइड अगर आप करेंगे सिटी में यूज़ करेंगे तो आपको ये गाड़ी लगभग 42-43 का ईजिली माइलेज निकाल के देगी। अगर आप सिटी राइड करते हैं तो 40-42-43 का माइलेज इस गाड़ी से ईजिली निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर आप गाड़ी को हाईवे भी यूज़ करेंगे, आपकी डेली राइडिंग हाईवे भी आप यूज़ करते हैं, तो हाईवे पर अगर आप इसे ले जाएंगे तो 50 तक आप इस गाड़ी से माइलेज निकाल सकते हैं, जो कि कही है तो ये बहुत ही बेहतर बात है। गाड़ी आपको 50 तक का माइलेज निकाल के दे सकती है। कि ओवरऑल गाड़ी की रिस्पांस की बात करें तो बहुत ही बेहतर रिस्पांस है, ऐसी कोई भी आपको ओवरऑल इस गाड़ी से दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम महसूस नहीं होने वाली है। तो एक शानदार आपको इस गाड़ी से बिल्कुल माइलेज अनुभव मिल जाएगा 50 तक का, जो कि कही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इसे नॉर्मल कंडीशन में राइड करते हैं या आप ओवरऑल ले जाएंगे तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। चलिए सिटी कुशनिंग ओवरऑल देख सकते हैं, बहुत ही दमदार सिटी कुशनिंग है, मोनो सस्पेंशन देखने को मिलता है, फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक आपको ऑफर करती है, तो सीटी कुशिंग भी ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं ओवरऑल तीन लोग भी आप बैठा के घुमा सकते हैं, कोई आपको यार दिक्कत परेशानी है तकलीफ महसूस नहीं होती है, तो सीट ओवरऑल इस गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन रहती है। अगर आप कंफर्टेबल राइडिंग में सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये बहुत ही शानदार ओवरऑल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। ब्रेकिंग की बात करेंगे तो ब्रेकिंग आपको बता दें फ्रंट में कंपनी आपको 240 के आसपास की डिस्क ऑफर करती है, आपको फ्रंट में सिंगल चैनल वेस लगभग 260 की डिस्क मिल जाती है, बैक में आपको 130 की ड्रम ब्रेकिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ब्रेकिंग वाइज भी गाड़ी ठीक ठाक है, ब्रेकिंग वाइज कोई ऐसी दिक्कत परेशानी बिल्कुल फेस नहीं होती है, ओवरऑल गाड़ी की ब्रेकिंग आपको अच्छी खासी बिल्कुल देखने को मिल जाती है, तो ब्रेकिंग वाइज तो बिल्कुल आपको कोई भी ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ बरतनी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, एक शानदार ब्रेकिंग गाड़ी निकाल के देने में कैपेबल रहती है। उसके बाद बात करेंगे तो आपको बता दें लगभग इस गाड़ी में आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि ओवरऑल एक बहुत अच्छी बात है, अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस इन्होंने मिल जाता है, दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, तो बहुत ही बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, ओवरऑल कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है, एक बहुत ही बेहतर और शानदार राइड आप इस गाड़ी से कर पाएंगे। और उसके साथ ही आपको हम बता दें इसमें अगर बात करेंगे तो आपको लगभग 140 kg इस गाड़ी की ओवरऑल कर्व रेट रहती है, तो कोई ज़्यादा भारी गाड़ी नहीं है, इजी टू मेंटेन, इजी टू हैंडल है, तो आप बिल्कुल ईजिली इसे चला सकते हैं। इंजन की बात करेंगे 162 cc का BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाता है, 14 Nm का आपको यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल गाड़ी ठीक है, 5-speed गियरबॉक्स सिस्टम का गाड़ी आती है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है, थोड़ा बहुत कंपनी बिल्कुल पावर फिगर्स में इंप्रूवमेंट बिल्कुल कर सकती है, कि पावर फिगर्स आपको 12.91 PS की पावर देखने को मिल जाती है, बाकी मीटर कंसोल ओवरऑल फुली अनलॉक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिजिटल का पार्ट कंपनी अगर एड ऑन कर दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी 13 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी ओवरऑल नहीं है, अच्छी खासी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, माइलेज आपको पता है हमने स्टार्टिंग बताया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बैक में भी आपको नॉर्मली टेल लैम्प देखने को मिल जाता है, कोई भी कंपनी यहाँ पे आपको LEDs यूज़ नहीं करती है, आपको पता होगा आज के दिन बहुत कंपनी आपको LED प्रोवाइड कर रही है, लेकिन यहाँ पे अभी भी यूनिकॉर्न सिंपल एंड सिग्निफिकेंट आपको बाइक प्रोवाइड कर रही है। ओवरऑल देखेंगे मीटर कंसोल को भी देख लीजिए या किसी भी एंगल से ओवरऑल इस गाड़ी को देख लीजिए, मीटर कंसोल भी सिंपल एंड सिक्योर है इस गाड़ी का, कोई भी मीटर कंसोल में आपको डिजिटल का पार्ट या कोई भी आपको ऐसा तामझाम या देखने को नहीं मिलता है, फुली एनालॉग मीटर कंसोल है, तो बहुत लोगों को ये अच्छा भी लगता है, ओवरऑल अब जो ओल्ड एज वाले लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, बाकी तो ओवरऑल मीटर कंसोल बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अच्छा प्रोवाइड करता है, तो कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। हेडलैम्प की बात करेंगे तो आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप है, तो ओवरऑल नाइट विजन में अच्छी आपको बिल्कुल विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, विजिबिलिटी वाइज नाइट विजन आपको कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी बिल्कुल महसूस नहीं होती है। बाकी आप टायर की भी कंडीशन देख सकते हैं, लगभग 20-22 किलोमीटर चलने के बाद टायर भी बहुत ही बेहतर कंडीशन में, तो ये कंपनी फिटेड टायर है आप देख सकते हैं, बैक का भी आपको हम दिखा देते हैं, तो ओवरऑल टायर की कंडीशन भी अच्छी खासी है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी ओवरऑल फेस नहीं होती, एक बहुत ही बेहतर बाइक है। अगर आप में इसको भी प्लान कर रहा है, लगभग हमने इस बाइक को 119,000 में खरीदा था एक साल पहले, बाकी आप लोग अभी करेक्ट ऑनर प्राइसिंग जरूर पता कर लीजिएगा, और बहुत शोरूम में गाड़ी अवेलेबल भी नहीं है, आपको बता दें एक जो कंपनी ने मात्र इसमें अपडेट किया है साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर लेके आ चुकी है, उसके अलावा कंपनी ने और कोई बड़े अपडेट्स इस गाड़ी में नहीं किए हैं, जो कि मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ,
तो बिल्कुल आप और कोई अपडेट के चक्कर में पड़ेगा मत, बस आपको एक नॉर्मल सा अपडेट देखने को मिल चुका है इस गाड़ी में। जो ये कंपनी अब आपको यहाँ पे ऑल न्यू साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर प्रोवाइड कर रही है और मीटर कंसोल में आपको वही शो करेगा, जो कि आपको हम दिखा देते हैं। हमारी जो मॉडल है इसमें आपको साइड स्टैंड देखने को नहीं मिलता है, तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। बाकी 5-speed गियरबॉक्स सिस्टम देखने को मिलता है, ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का। तो अगर आप कोई प्लान करें एक बहुत ही शानदार कंप्यूटर बाइक लेने का हायर सेगमेंट में, 160cc सेगमेंट में, सिंपल एंड सिक्योर लुक चाहिए, तामझाम नहीं चाहिए, तो बिल्कुल होंडा यूनिकॉर्न आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन बनकर आ रही 2022 में, और होंडा यूनिकॉर्न आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को डिटेल वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहले विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो आपको लाल कलर बटन दिख रहा है कैसे भी ठोक दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को भी अधिक से लोगों को शेयर करिएगा ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो आप लोग हमसे कमेंट से बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी ओवरऑल जरूर बताइएगा कि आपको ये ओवरऑल रिव्यू कैसा लगा। अगर आप में कोई भी बाइक रखा है तो क्या कुछ ओवरऑल रिस्पॉन्स है, क्या कुछ दिक्कत परेशानी ओवरऑल इस गाड़ी से आ रही है, कमेंट्स में आप लोग हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।